अक्सर आप देखते होंगे कि जब हमारे शरीर में कोई दर्द होता है तो उससे निजात पाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं। अब हम एंटीबायोटिक के सेवन तो कर लेते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो एंटीबायोटिक असली है या नकली। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक दवाओं की प्रामाणिकता की जाँच के लिए पेपर पर आधारित एक ऐसी जाँच प्रणाली विकसित की है जिससे कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा कि दवाई असली है या फिर नकली। और ये जांच प्रणाली है कागज की, जिस पर नकली दवाई रखने पर ये कागज खास तरह के लाल रंग में तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर घटिया दवाओं का उत्पादक और वितरण होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 10% दवाइयाँ फर्जी हो सकती हैं और उनमें से 50% एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा नकली एंटीबायोटिक दवाओं से न केवल मरीज की जान जाने का खतरा पैदा होता है, बल्कि दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की बड़ी पैमाने पर समस्या भी पैदा हो सकती है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि शोधकर्ताओं ने कागज पर आधारित जाँच का विकास किया जो कि तेजी से इस बात का पता लगा सकती है कि दवाई असली है या नकली, या क्या इसमें बेकिंग सोडा जैसी कोई चीज़ मिलाई गई है या फिर नहीं। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।